सो गाइस चलने का टाइम आ गया है। यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब, और व्यूज़ भी आपको दिखा दूंगा, व्यू बहुत। और सबसे बड़ी बात क्या है यार, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे स्टे का भी था, वो हमें पता नहीं था, बट यहाँ अगर स्टे करते ना, मतलब मज़ा दुगना होने वाला था यार। डेफिनेटली मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है हर चीज़ का, तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, कभी आप यहाँ आएँ तो हेरिटेज जितने होटल इनमें रुके, और ये विंटेज वाला तो सबसे बेस्ट है। विंटेज कार म्यूजियम के नाम से आप आएंगे ना, तो इसमें आपको स्टे का मिलेगा, स्वीट्स ले सकते हैं आप, अपना पर्सनल गेस्ट हाउस ले सकते हैं, कुछ भी, पर्सनल स्विमिंग पूल्स तक हैं यार, रूफटॉप कैंपनी रूफटॉप पे स्विमिंग पूल सब कुछ है यार, बहुत गजब है। गाइज़ हम निकल गए हैं आप सिटी पैलेस के लिए, और परमजीत भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर की, जितना अच्छा हो सका हमने उतना अच्छा करने की कोशिश की। गर्मी बहुत थी यार, बहुत गर्मी थी, स्वेटिंग इतनी गंदी तरीके से हो रही थी, पूछ मत यार तो अच्छा रहा परमजीत भाई ने, बहुत अच्छा किया, और नेक्स्ट टाइम होगा तो ज़रूर आएंगे परमजीत भाई से मिलने। बट फिर भी हम अब जा रहे हैं सिटी पैलेस, और वहाँ पे बोटिंग वगैरह सब होगा, तो देखते हैं क्या प्राइस है, क्या है क्या नहीं, मैं हर चीज़ बजट में लिखूंगा। यहाँ पे हमारा 250 रुपये का एक टिकट लगा था, आप अगर आते हैं म्यूजियम घूमना है तो आपका 250 रुपये का एक टिकट लगेगा, वो 250 का, देन और कुछ नहीं है आपको, वो आपको अपने पर्सनली भी थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देगा, बताएगा चीज़ों को, और यहाँ के ऑनर हैं वो बड़े हम्बल नेचर के हैं, जो बताते हैं जिस तरह से वो कैरी कर रखे हैं हर चीज़ को, कितना केयर के साथ रखा हुआ है। सो गाइज चलते हैं सिटी पैलेस और देखते हैं क्या है क्या नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा भी, और क्या है। तो गाइज अभी हम सिटी से ही निकल रहे हैं, हमारा 10 मिनट्स का रह गया है, तो ऑब्वियसली ठीक है 10 मिनट्स में ही पहुंच जाते तो अच्छा ही रहेगा। ये वही था जो आते वक्त हमने लेक देखा था ना, वही लेक था, इसके साथ ही सिटी पैलेस है, और सिटी पैलेस बहुत अच्छा बनाया हुआ है। देखिए विंटेज यार, तो यहाँ इस लेक को प्रॉपर तरीके से ना, मतलब प्लान किया गया है कि हाँ कहाँ पे ब्लॉकेज कर रखी है इन्होंने वाटर के लिए, साफ सफाई के लिए, पानी के लिए, बहुत चीजें अच्छी कर रखी हैं, और अमेजिंग था यार, मतलब मैं जो विंटेज कार वाला था वो तो अमेजिंग था ही था, और यहाँ का भी इतना अच्छा है कि मैं थका नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ कि भाई हाँ आपको कोई नई चीज देखने को मिलेगी, नई चीज फिर मिलेगी, और कुछ नहीं, मजा आ रहा है बस भाई, मजा गजब। यहाँ से आई थिंक राइट होना।
तो गाइस किसी ने बताया सिटी पैलेस, अभी ये सर्कल है, यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो ये हमारे सामने है, क्या क्या है जो भी है आपके सामने है भैया। तो सिटी पैलेस के लिए लास्ट सर्कल से लेफ्ट बताया था ना, तो लेफ्ट ही होगा भैया। हम कहाँ बताए, फतेह सागर आई थिंक हमें पूछना पड़ेगा किसी से यार सिटी पैलेस के लिए, या यही तो नहीं है। तो गाइस उन्होंने बताया कि वापस यू टर्न ले लिया हमने और बोला कि सीधा सीधा चले जाएं। तो कभी कभी मुझे लग रहा हमारा नेविगेशन भी ठीक कह देता है, बट हमें डर है कि साला वो गाड़ी ना जा पाए यार। सबसे बड़ा पंगा ये है, उधर के लिए बोल रहे हैं। भैया सिटी पैलेस जाना है। लोकेशन क्या दिखा रहा है अभी? यहाँ से तो कुछ घुमा ही रहा है, इस साइड चले जाओ यार, मुझे कंफर्म नहीं ये पता है रास्ता। किसी ने बोला कि सीधा जाओ आप। हाँ सीधा सीधा इस साइड ही जाओ। हाँ आगे जाके पूछ लेना है ना। ठीक है, गलियां है बहुत इसलिए, तो गाड़ी नहीं जा पाएगी, पता नहीं यार, आईडिया नहीं। थैंक यू सो मच। तो इन्होंने बताया कि इधर सीधा चले जाइए, फतेह पाग पू पी ठम छम। कैसे कर सकती है गवर्नमेंट यार, ये मैं वहीं आ गया लगता है जहाँ से मैं गया था। यस मुझे लग रहा है मैं वहीं घूम रहा हूँ, और ये छोटे छोटे रास्ते हैं। हमें कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, ले वहाँ निकाल दिया, यहाँ से तो मैं चले ना जाता। मैं वापस जाके वहाँ से जाऊँगा, एंट्री करूँगा ना जो वहाँ से। सो गाइस आज अपना तो हो रहा पोपट, अब हमें फिर दोबारा यहीं से जाना पड़ेगा। वो बोल रहे कि उधर रास्ता बंद है, वहाँ नहीं जा पाएंगे आप यहीं से जाइए और ऐसे से जाइए रंग निवास तक। रंग निवास याद रखना है, रंग निवास से कह रहे कि आप सीधा वहीं पहुँच जाएंगे। तो कहा भाई चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बट फिर ठीक है, रास्ता आपने देख लिया है तो चलते हैं, देखते हैं क्या ड्रामा है भाई। गाइस फाइनली हमें भैया मिल गए हैं जो हमारे आगे चलेंगे और ये हमें छोड़ के आएंगे। तो चलते हैं फिर, इनको फॉलो करते हैं और निकलते हैं। गाइस हमने वो कर लिया है ऑटो, वो हमारे सामने चल रहा है और नंबर क्या है उनका, 6138। ठीक है यार, वो बेचारा खड़ा था काफी देर से, उनका भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि ठीक है। एक फिर मैं घूमता इतने का मेरा पेट्रोल लग जाता घूम घूम के। पता है गाइस साला नेविगेशन बना तो दिए, ठीक है हेल्प करते हैं कि किसी से ना पूछना पड़े, साला लास्ट में इंसान के काम आता है ये, ना आने वाला किसी का। तो एक दूसरे के साथ प्यार बना के रखो, खुश रहो, मजे करो लाइफ के, क्योंकि साथ हम ही रहना है। इन्हें कह रहा हूँ ये बकवास ये। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस, जो पहुंचे कैसे हैं कि हमारे ऑटो वाले भैया हैं इन्होंने पहुंचाया है, इनका स्पेशली थैंक यू सो मच। तो एक फ़ोटो लेते हैं थंबनेल के लिए, तो मिलते हैं फिर ब्लॉग में। सो गाइस यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए टिकट लेना पड़ेगा, 350 का टिकट है। तो टिकट लेते हैं फिर गाड़ी को अंदर पार्क करेंगे, और यहाँ पे स्पेशली हॉर्न ब्लो नहीं करना, बिल्कुल हॉर्न बजाना ही नहीं है। तो ये काउंटर है, तो टिकट्स हो गए हैं, पार्किंग का भी, विजिट का भी। पार्किंग का 350 है एंड विजिट का 300। तो चलते हैं फिर अंदर और देखते हैं क्या है क्या नहीं, सिटी पैलेस का नज़ारा। सो गाइस आप नज़ारा देखो यार, एंट्री तो गजब हो रही है, गजब गजब गजब। यहाँ वीडियो की भी दिक्कत है कुछ। तो हमने एंट्री कर ली है पैलेस में, टिकट्स भी हो गया है, सब हो गया है। सो यहाँ सब अपनी गाड़ी पार्क कराएंगे अपने पास, और यहाँ अच्छी पार्किंग है, पार्किंग मतलब इसी के लिए घूम रहे थे यार। तो देखते हैं अभी चलते हैं पार्क। सो
ये था हमारा वो म्यूजियम के लिए अंदर से जाना है, शायद मैं टिकट नहीं लेके आया, वो टिकट्स का नीड होगा। गाइस हमारी साथ हैं हमारे लवेश भैया जो हमारे गाइड हैं, वो हमें म्यूजियम के बारे में बताएंगे और सिटी अपना पैलेस इसके बारे में बहुत बताएंगे, और ये फिर बाद में बोट राइड के लिए बोल रहे हैं, वहाँ भी देख के आएंगे। तो बात करते हैं लवेश भैया, कैसे हैं लवेश भैया? ठीक है। तो लवेश भैया बताइए कुछ, आप ये म्यूजियम के लिए बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे? तो म्यूजियम पूरा ये जितना भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है इंडिया में, सेकंड। ओके। इंडिया में भैया सबसे बड़ा मैस होगा ना सर। ओके। बट इस पैलेस को स्टार्ट किया गया महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह 16 मार्च 1559। ओके। और 22 महाराणाओं ने वन बाय वन जनरेशन पूरे बिल्डिंग को 400 ईयर में कंप्लीट करके बनाया। अगेन गाइस, महाराणा प्रताप जी जो राजा हमारे रहे हैं, तो उनके सारे वेपन्स इधर हैं। तो चलो, ये सब ओरिजिनल है, ये सारी स्टेज के साइजेस अलग अलग हैं ताकि जो एनिमीज होते थे वो गिर जाएं, एक साइज से ना भाग सके पूरा पैलेस। ये मंदिर सबसे पहले बना है सिंगल पीस का ब्लॉक है 8x8 जॉइंट पूरा एक ही है, मतलब इसमें कहीं वो नहीं है कि ये नाइस यार, इसमें कोई जॉइंट नहीं है यार, देखिएगा आप, ये आपको लग रहा है बट ये पूरा एक पत्थर का बनाया हुआ है, यही तो है इनक्रेडिबल। इसको यही काटा हुआ है, बड़ा सा पत्थर यही लाके यही काटा है क्योंकि ये पिलर में फिक्स है। ओके, ये पत्थर को ही काट के यही, ये कुछ लॉक्स किए हुए ना बिल्कुल परमानेंट, सब कुछ तो सीक्रेट, हाँ प्राइवेसी है कुछ लिए हुई, जो लॉक्स है कुछ तो सीक्रेट रूट है। ओके। और कुछ रूम्स है। ओके। क्योंकि पूरे पैलेस में लगभग 200 रूम्स है। ओके। पर टोटल 200 रूम ओपन नहीं है, और बीच में एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप बना है जो राणाओं के होली खेलने के लिए, कलर वाटर फ्लावर। 10 ईयर्स में गाइस ये जो पेंटिंग की हुई है ये बिल्कुल हाथ से की हुई है, और लास्ट मतलब 10 ईयर्स का जो टाइम था इसमें वो लगा है इसको पूरा कंप्लीट करने में। सो गाइस आपने ऑलमोस्ट देख लिया है, और मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। हम पैलेस में ऑलमोस्ट घूम चुके हैं सारा, लिवाज भाई ने अच्छे से बताया है, और ये देखिए उड़ा डालेंगे भाई, उड़ा डालेंगे उड़ा। सो ये इसका वॉक अराउंड है पूरा।
परफ्यूम बोतल है परफ्यूम की, ये बच्चे का है।